सरायकेला जिला के खरसावा थाना अंतर्गत कुम्हारसाई के पास एक राशन दुकान में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने गांजा कारोबारी बादल कुमार पाणिग्रही को गिरफ्तार किया है। वहीं दो बड़े पॉलिथीन में 1.5 किलो गांजा तथा छोटे पॉलिथीन में 67 पुड़िया करीबन 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए SDPO राकेश रंजन ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने एक राशन दुकान से गांजा बरामद किया है, साथ ही गांजा बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, हर एक इन्फॉर्मेशन की कार्रवाई करते हुए आज सुबह खरसावा थाना से इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक दुकानदार है जो कि राशन का दुकान चलाता है, मगर उसी के एवज में वो गांजा और अन्य मादक पदार्थों की भी सो का भी व्यापार कर रहा है। तो उस क्रम में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान हम लोगों को लगभग 1.5 किलो गांजा और छोटे छोटे पैकेट में कुल 67 पैकेट मिला है अलग से, जिसमें कि छोटा छोटा पुड़िया टाइप का गांजा या गांजा ऐसा पदार्थ रखा हुआ है। तो इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।